हे गाइस, वेलकम बैक टू 06 स्टडी पॉइंट। और आज मेरे पास आप सभी के लिए काफी बड़ी और एक गुड न्यूज है कि आपकी 2021 में रेलवे की एसएससी की जो रिक्रूटमेंट्स थी, आप सभी को पता होगा कि रेलवे की सीनियर सेक्शन इंजीनियर की जो वैकेंसीज होती थी, जो पोस्ट होती थी, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। ठीक है, डिसकंटिन्यू का मतलब कि वो बंद ही कर दी गई थी कि अब वो हायर नहीं करे जाएंगे, कोई वैकेंसीज नहीं निकाली जाएगी। बट अब आपका डिसीजन लिया गया है कि आपकी उनकी रिक्रूटमेंट, आपकी एसएससी की जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज हैं, उनको फिर से फिल करा जाएगा और वो फिर से कंटिन्यू कर दी गई हैं, वो फिर से रिज्यूम कर दी गई हैं। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे आपका ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपका 6/8/2021 को रिलीज करा गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि रिस्टोरेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टू द पोस्ट इन लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो आपकी एसएससी की जो रिक्रूटमेंट्स थी, वो आपकी फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी और आपकी जो इसके रिक्रूटमेंट है, उसके आने के जो चांसेस हैं, वो इसी साल 2021 के लास्ट में है, नवंबर या दिसंबर के मंथ में आपकी ये रिक्रूटमेंट आ जाएगी। ठीक है, और सभी जितने भी आपके रेलवे के जोन्स हैं, उन सभी को ऑर्डर कर दिया गया है कि आपके किस किस जोन में कितने एसएससी इंजीनियर्स की वैकेंसीज आपकी खाली हैं। सो उन सभी का डेटा कलेक्ट करने के बाद आपकी वैकेंसीज रिलीज करी जाएंगी। उसी के साथ आप सभी यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि 1.35 लाख वैकेंसीज 2021। आप सभी को पता होगा कि जब आपका लास्ट आपकी वैकेंसीज आई थी रेलवे की, एएलपी एनटीपीसी वाली और जेई वाली, उस वक्त आपकी सारी की सारी वैकेंसीज कंप्लीट नहीं करी गई थी। आपकी उसमें 1.35 लाख वैकेंसीज तब भी खाली रह गई थी। उसमें आपकी जेई की वैकेंसीज भी हैं, उसमें आपकी एएलपी की वैकेंसीज भी हैं और उसमें आपकी एनटीपीसी की वैकेंसीज भी हैं। ठीक है, तो अभी भी आपकी जेई की काफी सारे रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज बाकी हैं और सभी एसएससी, जेई, एएलपी, ये आपकी सभी एक साथ आने वाली हैं। तो अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन आपने शुरू नहीं करी थी, तो आज अभी और इसी वक्त से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। आपको इस वीडियो में तुम्हारा सारा स्टडी मटेरियल, कंटेंट, सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा और हम सभी मिलकर आपकी प्रिपरेशन आज से शुरू करेंगे। सो अगर तुम आरआरबी जेई और आरआरबी एसएससी 2021 वाला क्रैक करना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहां से आगे जरूर देखना और अभी के अभी मुझे ये कमेंट करके बताओ कि तुम्हारी ब्रांच क्या है, तुम्हारी पास आउट ईयर क्या है। अगर तुमने इस साल अपना, आप फ्रेशर हो, लाइक इस साल तुमने अपनी फाइनल ईयर खत्म करी है, तो ये भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अब हम आगे की बात करते हैं कि तुम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से शुरू कर सकते हो और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तुमको स्टडी मटेरियल, सारा कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स में सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा और हम अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमको बताया आपकी वैकेंसीज आने वाली है। मैंने आप सभी से पहले भी बताया हुआ है कि अभी तुम्हारी इतनी वैकेंसीज रह रही हैं और ये आपकी आने वाली हैं। ठीक है, सो नोट्स के लिए मैंने नीचे 3 टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। इन तीनों टेलीग्राम ग्रुप में जाकर तुम अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो नोट्स अवेलेबल हैं। सेकंड चीज आती है आपकी बेस्ट बुक, कि आपको अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अपनी प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सी बुक होती है, कौन सी नहीं, और बेस्ट तरीका क्या है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का सबसे इजी, बेस्ट और टाइम सेविंग तरीका होता है कि आप उसको डायरेक्ट ऑनलाइन प्रिपेयर करो। जिस तरीके का आपका सीबीटी एग्जाम होता है, यहाँ पर आपका टाइमर चलता रहता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपका मार्क रिव्यू होता है, उसी तरीके का हमने तुम्हारे कंप्लीट कोर्स बना दिया है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। ठीक है, हमारे खुद के ऐप पर, 06 स्टडी पॉइंट के ऐप पर, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड बाद में करना, पहले बात को सुन लो पूरी। तो अभी तक हमने तुम्हारे सिविल और मैकेनिकल में तुम्हारे 3-3 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। इलेक्ट्रिकल में तुम्हारा एक सब्जेक्ट ऐड हो गया, सेकंड सब्जेक्ट इसमें तुम्हारा 2-3 दिन के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ इसका जो प्राइस था वो आपका 1550 रुपीज था, बट आपको इतने पे नहीं करने हैं आज की डेट में। अगर आप आज की डेट में इसको बाय करते हो, अभी आपकी इंडिपेंडेंस डे की सेल चली हुई है। ठीक है, पहले उस प्राइस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। हमने इसको सब्जेक्ट वाइज बनाया है, इसमें कम से कम एक एक कोर्स को, लाइक एक ब्रांच के कोर्स को बनाने के लिए 12-13-14 बुक्स का यूज करा गया है। एक एक सब्जेक्ट के तुम्हारे 1000+ एमसीक्यूज हैं और इन टोटल तुम्हारे 15000+ एमसीक्यूज हैं। और तुम्हारे पीएसयूज के, तुम्हारे आरआरबी के, तुम्हारे एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, तुम्हारे गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के 1 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, आईईएस के 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को इसमें ऐड करा गया है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। अगर तुमको बाय भी नहीं करना ना, तो सिंपल तुम ऐप को लिंक से नीचे डाउनलोड करना और वहां पर फ्री ट्रायल के लिए 3-3
सभी तीन तीन टॉपिक सभी के अंदर अवेलेबल है, तो उन तीन टॉपिक्स को जरूर अटेम्प्ट करके देखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप इसमें तुम्हारा गिव अवे भी है, सॉरी मैं स्टार्टिंग में गिव अवे के बारे में बताना भूल गया कि 5 स्टूडेंट्स को जो भी इंडिपेंडेंस डे सेल में इस कोर्स को बाय करेंगे उसमें से 5 स्टूडेंट्स को उनका 100% रिफंड वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 100 इसमें आपके तुम्हारे दो कूपन्स हैं, तो 100 जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स इस कोर्स को बाय करेंगे तो वो अपना कूपन कोड जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स इंडिया 400 कूपन कोड यूज करेंगे उनको ये कोर्स पड़ेगा सिर्फ 1150 रुपीज में, ठीक है। और जो बाकी के स्टूडेंट्स होंगे जो लाइक नेक्स्ट 200 होंगे, अगर तुमको ये सिर्फ 1150 में बाय करना है तो अभी के अभी जल्दी से जल्दी जाके इसको बाय कर लेना, और तुम 100 स्टूडेंट्स के बाद आपका सिर्फ ये वाला कूपन लेफ्ट रह जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए। और ये कूपन कोड है तुम्हारा इंडिपेंडेंस 300। तुमको ऐप में दोनों कूपन कोड जब तक दिखाई देंगे तब तक तुम इनको अप्लाई कर सकते हो, जिस दिन ये हट जाएंगे उस दिन के बाद इस कोर्स का प्राइस फिर से 1500 हो जाएगा। सो अभी आज की डेट में तुम्हारा 1150 में भी अवेलेबल है और 1250 में भी अवेलेबल है। अगर तुम जल्दी बाय करोगे तो तुमको इतने में मिल जाएगा, लेट हो जाओगे तो तुमको इतने में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, तुम ये दोनों का इन टोटल मिला के तुम में से कोई 5 लकी ड्रॉ के लाइक रैंडमली 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करे जाएंगे और उनकी जो फीस है 100% रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारा गिव अवे छोटा सा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कोर्स बाय नहीं करना तो दैट इज वेल एंड ओके, तुम हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्रैक करने में। जो भी तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, जितना भी हम तुमको प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारे नोट्स फ्री हैं, हमारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुमको अगर कभी भी कोई भी डाउट है तो तुम हमारे ऐप पे आके हमसे चैट वाले ऑप्शन में डायरेक्टली बात कर सकते हो। वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7, ठीक है। आप रात के 10 बजे मैसेज करोगे 10 बजे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, 12 बजे रिप्लाई करो मैसेज करोगे तो 12 बजे रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ओके। सो और तुम ये बात का बिलीव नहीं करोगे कि मैं पिछले रात सोया तक नहीं हूँ, मैं इसी कोर्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ था और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं, हम कुछ 13-14 लोगों की टीम है जो इस पे इस वक्त करंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हारा ये जो कोर्स है ये एक ऑल इन वन कोर्स हो, कि तुमको बार बार हर एक एग्जाम के लिए दोबारा बार बार ना पढ़ना पड़े। लाइक आज की डेट में तुम कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, लाइक तुम SSC JE की कर रहे हो, ठीक है, फिर थोड़े दिन बाद तुम्हारी RRB JE की रिक्रूटमेंट आ जाती है तो तुम RRB की प्रिपरेशन अलग से करते हो, क्यों? तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अपनी सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो बार करी थी क्या? तुम्हारी बुक्स अलग अलग हैं क्या? तुम्हारा सिलेबस सेम है मेरे भाई, तो बार बार सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक्स क्यों खरीदनी है? मत खरीदो। तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर है ना RRB के, उसके क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है, तुम्हारे SSC JE के प्रीवियस ईयर पेपर इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। और वो भी ऐसे ही रैंडमली नहीं, सब्जेक्ट वाइज। तुम कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक बाय करते हो, चाहे तुम आरके जैन लेते हो, RS कुर्मी लेते हो, गुप्ता एंड गुप्ता लेते हो, मेहता एंड मेहता लेते हो, कोई भी तुम गुप्ता बुक लेते हो, तो उसमें तुम्हारे एक चैप्टर के कितने क्वेश्चंस होते हैं? 400 मैक्सिमम है, ठीक है, 400 मैक्सिमम है। हमारे यहाँ पे मिनिमम 1000 है, मिनिमम 1000 प्लस है, ये तुम्हारा 1500 तक जा रहा है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस डाले हैं मैकेनिकल में और सिविल में, उसमें तुम्हारे 1500 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तुम्हारे तीन सब्जेक्ट्स अब तक हमने डाल दिए हैं, सोम मैकेनिक्स और FM, इन तीनों के मिला के तुम्हारे 3500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो अगर तुम दिन में 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे ना, तब भी तुमको एक महीना लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। अभी तुम्हारा अगस्त चल रहा है और तुम्हारे नवंबर दिसंबर में तुम्हारा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी मार्च तक तुम्हारा इसका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। तुम जितना जल्दी इसकी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट अभी तक प्रिपरेशन कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम RRB JE का एग्जाम दिया था अब से 2 साल पहले, ठीक है। और ये बात याद रखना कि उनकी प्रिपरेशन बहुत खतरनाक वाली हो रखी है ऑलरेडी, और अभी रिसेंटली तुम्हारा SSC JE का एग्जाम हुआ था लास्ट, तो उस एग्जाम में जिस स्टूडेंट के भी 120 प्लस से ज्यादा मार्क्स आए थे सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, वो बंदा इस एग्जाम को RRB JE को सिर्फ और सिर्फ रिविजन करके ही क्रैक कर लेगा। तो अगर तुम फ्रेशर हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी बेटर नहीं थी, तुम डेली MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो ये कोर्स तुम्हारे लिए बेस्ट है MCQ प्रैक्टिस के लिए। अभी के अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद अपना वाला जो तुम्हारा कोर्स है उसको ओपन करो, वहां पर
तीन दिए हुए हैं, तीन टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, उसको अटेम्प्ट करो और उस चीज को एक्सपीरियंस करो कि एग्जाम का प्रेशर होता क्या है। तुम्हारी प्रैक्टिस में ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस में ही तुमको फील हो जाएगा कि भाई ये एक्चुअल में एग्जाम वाली फील है। जब तुम्हारी प्रैक्टिस में एग्जाम वाली फील आ जाएगी ना, तो तुम्हारी प्रिपरेशन एक अलग लेवल की होगी। एक जो स्टूडेंट बुक से प्रिपेयर करेगा ना, उसको पहले वो क्वेश्चन को देखेगा, रीड करेगा, फिर पेज को पलटेगा, फिर उसका सॉल्यूशन देखेगा। वहीं तुम को कुछ नहीं करना, सिर्फ फोन को ओपन करना है, ऐप को ओपन करना है, एंड देन जस्ट अटेम्प्ट इट। अटेम्प्ट करने के बाद डायरेक्टली तुम उसका सॉल्यूशन देख सकते हो और क्वालिटी एकदम अमेजिंग है। जस्ट गो डाउनलोड द ऐप, अटेम्प्ट द कोर्स। और बाय किस तरीके से करना है वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। सो गाइस, ऐप को डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। या तो तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हो, वरना प्ले स्टोर पर डायरेक्टली 06 स्टडी पॉइंट सर्च करके भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपका स्क्रीन पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको सिंपल स्टोर पर क्लिक करना है अगर आप कोर्स को बाय करना चाहते हो। जो भी आपका कोर्स है आप उसको देख सकते हो, लाइक आपको सिविल का बाय करना है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है। हम एग्जाम्पल के तौर पर सिविल का ले लेते हैं। सिविल तुम ओके, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले तुम इसको अटेम्प्ट करके देखना, बाय करने से पहले इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो कंटेंट पे क्लिक करना, तुम देख सकते हो कि तीन सब्जेक्ट्स तुम्हारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, सोम फ्लूइड मैकेनिक्स और आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो सोम पर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर्स आ जाएंगे और चैप्टर्स में तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तीन टॉपिक तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इसको अटेम्प्ट कर लेना। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वाले में भी तीन टॉपिक्स तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, तो इसको अटेम्प्ट करना और फिर ही कोर्स को बाय करना, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है और कितना अच्छा लगता है इसको अटेम्प्ट करने में, ठीक है। बाय करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तुमको सिंपली जब ये बैक आ जाओगे ओवरव्यू पे, ठीक है, तो इसको स्क्रॉल डाउन करना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कूपन कोड दिया हुआ है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो कूपन कोड्स हैं, एक है तुम्हारा इंडिया 400 और सेकंड है तुम्हारा इंडिपेंडेंस 300, ठीक है। तुम दोनों को इसको, दोनों में से कोई किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट 400 वाला है उसमें तुमको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, 300 वाले में 300 का। 400 वाला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है और सेकेंड वाला सिर्फ 200 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप जल्दी आप इसको अप्लाई करके देखना, अगर अप्लाई हो जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो अभी अप्लाई हो चुका है और ये अब आप इसको सिर्फ 1150 रुपये में बाय कर सकते हो, ठीक है। 1550 रुपीज़ को के कोर्स को तुम 1150 रुपीज़ में बाय कर सकते हो इंडिपेंडेंस सेल में, और ये आपकी कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। और ये कूपन तुम्हारा शायद एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ट्राई करना तुम आज के आज ही इस कोर्स को बाय कर लो, ठीक है। बाय करने के लिए तुमको सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करना है, और जो आप जहाँ पर भी आप रहते हो, चाहे आप दिल्ली है या जो भी आपकी स्टेट है, उसको सेलेक्ट करना, प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। उसके बाद तुम्हारा इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपके पेमेंट के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, चाहे आपका फ़ोन पे हो, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग, सारे पेमेंट के मेथड अवेलेबल हैं। तो आप किसी को भी यूज़ करके अपनी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तुमने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। उन नोट्स को जल्दी से देख, नोट्स को डाउनलोड करके अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कर देना। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो ऐप में चैट का फीचर है, आप ऐप में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ, एंड वी विल क्रैक दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, SSE, SSC और RRB तीनों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।